रहा है। इसमें न सिर्फ सुन्नी बल्कि शिया नौजवान भी शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान खान इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे। इमरान खान बताइएगा, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं जो मिसाली नज़्म व ज़ब्त और यगानगी का पहलू एक इसमें से निकलता है, उस पर आप किस तरह से कमेंट करेंगे और मनाजिर क्या है आपके सामने? जी बिल्कुल, मनाजिर तो ऐसे ही है कि 12 रबी अव्वल की खुशी में अगर देखा जाए तो जितना एहतमाम अहले सुन्नत की जानिब से है उतना ही जेडीसी की जानिब से जहाँ किया गया है। खासतौर पर जो आतिशबाजी है वो जेडीसी के जानिब से की गई है। इससे पहले जिससे ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया गया है जेडीसी की जानिब से, जिसमें तकरीबन 113 उलमा इकराम जो हर फिरके से उनका ताल्लुक है उनको बुलाया गया है यहाँ पर, उन्होंने खिताबात किए, जिसके बाद 11 बजे यहाँ पर शमय रोशन की गई जो तकरीबन 13,000 के करीब दिए रोशन किए गए, जिसमें आलमी रिकॉर्ड भी आज तोड़ दिया गया, क्योंकि इससे पहले इंडिया में ये शमय रोशन की गई थी तकरीबन उसमें 12,100 कुछ शमय रोशन की गई थी 2012 नवंबर के अंदर, तकरीबन 8 घंटे के अंदर ये शमय रोशन की गई थी, जबकि आज कराची में नुमाइश रंगी के पास ये जो शमय रोशन की गई है तकरीबन 1 घंटे के अंदर 13,000 शमय रोशन करके इन्होंने आलमी रिकॉर्ड जो बनाया गया था इंडिया में अहमदाबाद के अंदर वो भी तोड़ दिया है। और उसके बाद जो ईद राज्य भी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इसके बाद अब आतिशबाजी का मुबारक किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, जिसमें तमाम के तमाम खिस्से के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आतिशबाजी का मुबारक किया है, जिसने ईद राज्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनकार किया है, जो दिए जलाए गए हैं, ये जेडीसी की जानिब से किया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत खूबसूरती से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है यानी 12 रबी अव्वल की खुशी में यहाँ पर शमय रोशन की गई, वहीं पर यहाँ पर आतिशबाजी का नजारा किया जा रहा है, जिसमें यह नुमाइश रंगी में हजारों बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो आतिशबाजी हो रही है उसको देख रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ कि दिन भर जैसे जो जमात की जानिब से जैसे रैली निकाली गई, कहीं दो दो सलाम का विरोध हुआ, कहीं इस तरह के पूरे का पूरा आज दिन भर सिलसिला जारी रहा, जबकि अब यहाँ पर जो नुमाइश चुरंगी है यहाँ पर दीगर तकीबात के साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि पहले दिए रोशन किए गए थे, जिसमें ईद मिलादुल कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम के तमाम फिरके से जो उलमा इकराम उनको बुलाया गया, अब जाके यहाँ पर शमय उसके बाद दिए रोशन किए गए तकरीबन 13,000 से ज्यादा, अब यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। जेडीसी के जो तर्जुमान है उसके हमारी बात है, उनका यही कहना है कि आप सल्लल्लाहु की जो 12 रबी अव्वल की खुशी है उसका जो अंदाज है हर मनाने वालों का अपना अलग है, उनका ये अंदाज है कि यहाँ पर आतिशबाजी की जाए उनकी आमद के सिलसिले में और शमय रोशन की जाए। जी इमरान, इतने खूबसूरत इंतजाम पर जो वहाँ शुरा मौजूद है उनके जज्बात कैसे हैं, उनका क्या कहना है सिलसिले में? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में खासतौर पर लोग मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर उसका अंदाज अलग अलग है। यहाँ पर मुख्तलिफ जैसे मैंने बताया कि आपको नुमाइश में कैंप लगाए गए हैं, यहाँ पर हर तकरीबन जो तंजीम है, सुन्नी तहरीक है, दीगर जो उसकी जानब से कैंप लगाया गया है, सबका अपना अपना एक अंदाज है यहाँ पर। मगर यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो जेडीसी की जानब से इस साल जो तकरीबात की गई है, जो अभी भी इसका सिलसिला जारी है, वो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग थे उनके जो दिए रोशन किए गए हैं उससे सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया। उनका यही कहना था कि लोगों के भी हमारी बात, उनका भी ये कहना था कि जाहिर है जो 12 रबी अव्वल आता है तो उससे लोगों का अपना अपना अंदाज होता है, तो ये भी एक अंदाज है और लोगों ने बहुत उसको ऑब्लाइज भी किया कि शमय रोशन की गई। उसके बाद जो अहम तरीन चीज देखने में आई वो ये देखने में आई कि जो कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया, जिससे तकरीबन 110 से जायद उलमा इकराम को बुलाया गया, जो तमाम के तमाम फिरकों से उनका ताल्लुक था, उन्होंने यहाँ ये खिताब किया और उन्होंने जो यहाँ पर बड़ी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस रही, जिसके बाद शमय रोशन करने का सिलसिला रहा, जब 13,000 जो शमय 1 घंटे में दिए रोशन किए गए, आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया, अब यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है। उनका यही कह रहा है कि अंदाज है उनका, ये भी एक मोहब्बत से अंदाज है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 12 रबी अव्वल है उसकी आमद पे वो आतिशबाजी कर रहे हैं, शमय रोशन कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस का इनका करवा रहे हैं जेडीसी की जानिब से। बहुत शुक्रिया इमरान खान, तफसील आगाह कर रहे थे कराची की नुमाइश रंगी पर। इस वक्त भी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा जारी है और इस मरकज पर न सिर्फ सुन्नी बल्कि शिया नौजवानों के साथ मिलकर जो इस पूरे इवेंट को कंडक्ट किया है, एक बेहतरीन नमूना पेश किया है इत्तेहाद का आज नौजवानों की जानिब से, वो भी काबिले दीद है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फिलहाल इतना ही, मजीद खबरों की तफसीलात